सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेट और कमर पर जमी चर्बी को कैसे कम करें। आइए जानते हैं कुछ अचूक इलाज इस चर्बी को कम करने के लिए। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेट और कमर पर जमी जरूरत से ज्यादा चर्बी चिंता का विषय है। यह ना सिर्फ दिखने में खराब लगती है बल्कि इसके कारण कई बीमारियां भी हो सकती हैं। आज हम जानेंगे कि पेट की चर्बी कैसे घटाएं, इसके लिए हम कारगर व्यायाम, योग व आहार के बारे में भी आपको बताएंगे जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन सभी चीजों का फायदा तभी है जब इन्हें नियमित रूप से किया जाए। दोस्तों, एक या दो दिन करने से इसका कोई लाभ नहीं होगा बल्कि फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। पेट पर चर्बी जमा होने के आखिर कारण क्या होते हैं? पेट पर थोड़ी बहुत चर्बी होना तो सामान्य है, अगर यह चर्बी जरूरत से ज्यादा होती है तो कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि पेट पर अतिरिक्त चर्बी के प्रमुख कारणों में से कुछ कारण। वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े आपका। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है। कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर, जिसमें से पहला है अनुवंशिक। शरीर में कुछ फैट सेल अनुवंशिक तौर पर विकसित होते हैं। इसका दूसरा कारण हो सकता है खराब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रक्रिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी प्रभावित होने लगता है। इस कारण से भी पेट की चर्बी बढ़ सकती है। दोस्तों, तीसरा कारण हो सकता है हॉर्मोन्स में बदलाव, और चौथा कारण तनाव। पांचवा कारण हो सकती है कुछ बीमारियां, जैसे कि किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां, थायराइड, हार्ट फेल इत्यादि भी मोटापे को जन्म देती हैं। मांसपेशियों में ढीलापन आना छठा कारण हो सकता है। जब पेट के आसपास की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तो हो सकता है कि उस जगह की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाए। सातवां कारण दोस्तों होता है बैठकर सारे दिन काम करना। हर कोई अपना हर काम बैठे बैठे ही करने की कोशिश करता है, फिर चाहे ऑफिस हो या घर हो। आठवां कारण कम प्रोटीन और ज्यादा कार्ब्स खाना हो सकता है। कभी कभी काम के दबाव में या फिर तनाव में जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हैं हम, और पोषक तत्वों पर भी ध्यान नहीं देते। शरीर में स्वाद के चक्कर में प्रोटीन कम और कार्ब्स व फैट ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कारण फैट जमा होने के। अब हम जानते हैं पेट की चर्बी कम करने के लिए हम क्या खाएं, क्या डाइट फॉलो करें, और ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हमें सख्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खान पान को संतुलित न रखा जाए तो फिर कोई कितना भी एक्सरसाइज या योग कर ले, बेली फैट घटाने के उपाय काम नहीं आएंगे। इसी वजह से एक नजर डालते हैं कि पेट कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहली चीज, हमें सूप का सेवन करना चाहिए। पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो अपने आहार में, अपनी डाइट में सूप को शामिल कर लेना चाहिए। खासकर रात के समय इसका सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। यह लाइट होता है और इसमें अधिक कैलोरीज भी नहीं होती, जिस वजह से चर्बी को यह नहीं बढ़ने देता। दूसरा है फल, फ्रूट्स। टमी कम करने के उपाय में फ्रूट्स का सेवन भी शामिल होता है। फल यानी कि फ्रूट्स शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ ही वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकते हैं। माना जाता है कि फलों में मौजूद फाइबर्स वसा यानी कि फैट को कम कर सकते हैं। इसी वजह से अपनी नियमित दिनचर्या में फल को शामिल करना बहुत जरूरी है। तीसरी बहुत ही जरूरी चीज है सब्जियां। पेट पर
जो तोंद होती है उसको कम करने के लिए। अगर यह सवाल परेशान कर रहा है कि तोंद कैसे कम करें, तो दैनिक आहार में सब्जियों को जगह देना बहुत ही जरूरी है। ये सब्जियां शरीर को स्वस्थ रखने और चर्बी को कम करने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम होती है। चौथी चीज जो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है साबुत अनाज। आहार में साबुत अनाज को जगह देने से भी वजन को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो अतिरिक्त चर्बी को कम करने में लाभदायक सिद्ध होते हैं। साबुत अनाज से मतलब है जैसे हम स्प्राउट्स खाते हैं, चने, दालें इत्यादि। पांचवी चीज है नट्स। बादाम, काजू और अखरोट जैसे नट्स भी वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। कहा जाता है कि लंबे समय तक सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और बार बार खाने की इच्छा भी नियंत्रित हो सकती है। छठी चीज जो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है बीन्स। पेट कम करने के घरेलू उपाय में आप बीन्स को भी शामिल कर सकते हैं, चाहे हरी बीन्स हो या दाल वाली बीन्स। सभी वजन कम करने में मदद कर सकती हैं। ये फाइबर से समृद्ध होती है और फाइबर बार बार लगने वाली भूख को कम करने और अधिक खाने की इच्छा को नियंत्रित करके वजन कम करने में मदद कर सकता है। सातवीं चीज है फैट फ्री मिल्क और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध पीने के शौकीन हैं तो फैट फ्री मिल्क का सेवन करना भी पेट कम करने के घरेलू उपाय में से एक है। एक स्टडी में बताया गया कि वसा मुक्त दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स भी टमी कम करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। आठवां आहार जो हमें अपनी डाइट में डालना चाहिए वो है घुलनशील फाइबर। बेली फैट घटाने के उपाय में घुलनशील फाइबर भी बेहतरीन तरीका है। इसके सेवन से भूख कम लगती है जिससे बार बार खाने की इच्छा नियंत्रित हो सकती है। इस प्रकार बढ़ते वजन पर काबू पाया जा सकता है। और दोस्तों आखिरी चीज जो हमें अपनी डाइट में डालनी चाहिए वो है हाई प्रोटीन फूड। तोंद कैसे कम करें, इस सवाल का जवाब है हाई प्रोटीन फूड। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। प्रोटीन रिच फूड्स में ओट्स, चिया सीड्स, मसूर की दाल, एवोकाडो, सोया दूध इत्यादि शामिल हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि हमें क्या खाना चाहिए। अब जानते हैं हमें ऐसे कौन सी खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए। पेट कम करने के लिए क्या खाना चाहिए यह जानने के साथ ही क्या नहीं खाना चाहिए यह जानना भी बहुत ही जरूरी है। शक्कर युक्त व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खाने से हमें बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल, नूडल्स, पास्ता, ब्रेड, इनसे भी हमें दूरी बनानी चाहिए। इनकी जगह ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड का सेवन फिर भी किया जा सकता है। तंबाकू, शराब, सिगरेट से भी हमें परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब थी बातें डाइट के बारे में जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए और जिनसे हमें बचना चाहिए। अब आखिरी चीज हम जानते हैं कि पेट और कमर की चर्बी को कम करने के लिए कौन से व्यायाम करने चाहिए। पहला व्यायाम जो कि बहुत ही कारगर होता है वो है दौड़ना। दूसरा तैराकी यानी स्विमिंग करना। तीसरा साइकिलिंग करना। चौथा पैदल चलना। पांचवा वेट ट्रेनिंग करना। छठा है सिटअप्स करना। सातवां है सीढ़ियां चढ़ना उतरना। आठवां प्लैंक करना। नौवां है बेसिक क्रंच करना। दसवां है स्क्वैट्स करना। व्यायाम से पेट की चर्बी तो कम होती ही है, साथ ही हमारा पूरा शरीर भी हल्का और तंदुरुस्त हो जाता है। तो दोस्तों इनमें से आपको क्या करना पसंद है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हम कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बात करने की कि कौन सी एक्सरसाइज से क्या कम होता है और कैसे हमें
मदद मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से और स्वस्थ रखिए अपने जीवन को। नमस्कार।